जनपद कानपुर देहात के नवागंतुक पुलिस अधीक्षक बीपी जीटीएस मूर्ति ने पुखराया कस्बे में पैदल मार्च गश्त किया। गश्त के दौरान पुलिस अधीक्षक ने व्यापारियों से बातचीत कर रात्रि में पुलिस गश्त और पुलिस रवैये के बारे में जानकारी ली। अधीक्षक एमएलसी चुनाव के चलते पुखराया कस्बे में बने बूथों का भी निरीक्षण किया। वहीं कानपुर देहात में हाल ही में चार्ज लेने के बाद थाना भोगनीपुर क्षेत्र के पुखराया कस्बे में आज पैदल गश्त किया है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों से संवाद स्थापित करना और छोटी मोटी समस्याओं को त्वरित हल करना, इसके अलावा सबसे बड़े सराफा मार्केट की सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करना, व्यापारियों की दुकानों में सीसीटीवी कैमरा हो या पुलिस की रात में गश्ती हो और पिकेट के संबंध में व्यापारियों से जानकारी ली गई। वहीं सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद यादव ने बताया कि हम पुलिस की कार्यशैली से काफ़ी खुश हैं। कानपुर देहात के नए पुलिस अधीक्षक के पद ग्रहण करने के बाद जो हमारे थाना भोगनीपुर के सबसे बड़ा कस्बा पोखरायन जो उसमें हम फ्लैग मार्च करने के लिए आए हैं, पैदल गश्त किए हैं और लोगों से संवाद भी स्थापित किए हैं। यहाँ के अलग अलग मार्केट जो है, जब सबसे बड़ा मार्केट शरीफा मार्केट, उनसे भी हम लोगों ने बात किया है, उनके अध्यक्ष से भी बात किया। यहाँ पर वही हमने मेनली सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा लिया कि क्या सीसी कैमरा ठीक तरीके से है, हमारे जो पिकेट्स वगैरह है वो समय पे लग रहे हैं, या शाम रात को जो गश्त लगनी है उसके संबंध में भी हमने पूछताछ की और जो भी यहाँ के जो प्रजा है उन्होंने हमें संतुष्टि व्यक्त किया पुलिस के कार्यशैली से।